हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है पिक्चर बेस्ड जीके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बिग पिक्चर और केबीसी दोनों में भी बहुत काम आएंगे। पूरा जो वीडियो है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक है, इंटरेस्टिंग है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बढ़ते क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1A2, ऑन ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अ टेस्ट मैच प्लेड एनुअली फ्रॉम 1952 टू 1988 बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए 1952 से 1988 तक तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच प्रतिवर्ष खेला जाने वाला एक टेस्ट मैच था? बिशन सिंह बेबी, एम जी गोपालन या गुंडप्पा विश्वनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है एम जी गोपालन। 1952 में क्रिकेट और हॉकी, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए, 1952 में क्रिकेट और हॉकी में गोपालन के 25 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए ये जो मैच है वो खेला गया था। एम जे गोपालन ट्रॉफी के लिए मद्रास और सिलोन, बाद में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक वार्षिक क्रिकेट मैच स्थापित किया गया था। ठीक है, ये देखिए, ये है एम जे गोपालन, एम जे गोपालन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ स्किलेट यूज फॉर? स्किलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? फेंसिंग, कुकिंग या डिगिंग? तो इसका सही आंसर है कुकिंग। ठीक है, जो स्किलेट है वो एक फ्राइंग पैन है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई टू द एज ऑफ द स्पेस इन द वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट प्लेन ऑन जुलाई 12, 2021। 12 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान में अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? शीर्षा बांदला, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है शीर्षा बांदला, ये जो है वो शीर्षा है। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू फ्लाई इन स्पेस एट द एज ऑफ 82? 82 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्र वाले व्यक्ति कौन बने? वॉली फंक, जॉन ग्लेन या विलियम ई थ्रॉन्टन? तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉली फंक। ठीक है, ये है वॉली फंक। ठीक है, और जो मिशन था वो है मिशन ब्लू ओरिजिन NS-16, और ये है जॉन ग्लेन। ठीक है, ये जो जॉन ग्लेन है, ये एट द एज ऑफ 77 इन्होंने भी जो है वो स्पेस में गए थे, और अब कौन गई है, ये है वॉली फंक। ठीक है, वॉली फंक जो है वो गई है, ठीक है, एट द एज ऑफ 82। तो ये ध्यान में रखिए, और जो मिशन है वो है मिशन ब्लू ओरिजिन NS-16। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्लोथिंग एक्सेसरी कॉल्ड? इस कपड़े की एक्सेसरी को क्या कहा जाता है? मिटन्स, मफ्स या ग्लव्स? तो इसका सही आंसर है मिटन्स। क्वेश्चन नंबर 6, 11 जुलाई 1909 को उन्होंने दक्षिण केंसिंगटन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट में विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। ऑन 1 जुलाई 1909 ही असैसिनेटेड विलियम हर्ट कर्जन वेली एट द इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ द साउथ केंसिंगटन। तो आपको पहचानना है कि ये कौन है, हरदयाल, मदनलाल डिंगरा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मदनलाल डिंगरा। क्वेश्चन नंबर 7, तारकासी वर्क इज फ्रॉम विच स्टेट? तारकासी का काम किस राज्य का है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो इसका जो आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस स्टेट का है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये किस स्टेट से है। तो अगर आपने गेस किया है उड़ीसा, तो देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो आंसर है ये है उड़ीसा। तारकासी भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा के एक शहर कटक से चांदी का एक प्रकार का चांदी का काम है। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस ऑफिसर टू विन अ मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स? टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? सुहास यतिराज, कृष्णा नागर या मनोज सरकार? तो इसका सही आंसर है सुहास यतिराज। ये देखिए, नोएडा के एक जिला मजिस्ट्रेट पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द पॉलिटिशियन
आपको पहचानना है कि ये जो पॉलिटिशियन है वो कौन है, अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू या चरणजीत सिंह चन्नी। तो इसका जो सही आंसर है वो है चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि अभी करंटली पंजाब के जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट इन इंडिया इज द डांसिंग डियर फाउंड। भारत के किस राज्य में नृत्य करने वाले हिरण पाए जाते हैं, मणिपुर, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर में। संगाई, संगाई डियर का आपने नाम सुना होगा, जिसका नेचुरल हैबिटाट जो है वो मणिपुर में है। कहाँ पर है वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वहाँ पर आपको डांसिंग डियर यानी कि संगाई वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। ये देखिए संगाई। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टेम्पल। आपको टेम्पल आइडेंटिफाई करना है। तो ये है मध्य महेश्वर टेम्पल, कल्पेश्वर या केदारनाथ। तो ये जो टेम्पल है ये है मध्य महेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये पंच केदार में से एक है। पंच केदार सबसे पहले जो मुख्य है वो है केदारनाथ, फिर जो तुंगनाथ ये है, रुद्रनाथ है और ये कल्पेश्वर है, और जो पांचवा ये है मध्य महेश्वर टेम्पल, जो कि मैंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई अ कैरेक्टर बिसाइड ओम पुरी इन दूरदर्शन सीरियल भारत एक खोज। दूरदर्शन धारावाहिक भारत एक खोज में ओम पुरी के अलावा ये चरित्र आपको पहचानना है, ठीक है। ये जो है लाज करती हूँ, आपको ये पहचानना है कि ये कौन है। ये तो ओम पुरी है, ये ओम पुरी है, ठीक है। आपको पहचानना है कि ये कौन है। तो ऑप्शन है रवि जंगाल, लकी अली या पंकज बेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है लकी अली। जी हाँ, ये जो है ये लकी अली जो सिंगर है ये वही है। श्याम बेनेगल के इस लोकप्रिय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता धारावाहिक में लकी अली राजा अशोक के भाई तीसा की भूमिका जो है उन्होंने निभाया था, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट, इस स्मारक की पहचान कीजिए। आई थिंक ये बहुत ईजी है। रूमी गेट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा या मुमताज महल टॉम, बुरहानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा राजस्थान के अजमेर शहर में एक बड़ी और भव्य संरचना है, ठीक है। और इसके जो डिज़ाइनर है वो कौन है, हेरात के अबुबरक द्वारा डिज़ाइन और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित। तो ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज इंडियाज फर्स्ट एंड द ओनली लाइसेंस फिशरवुमैन। भारत की पहली और एकमात्र लाइसेंस प्राप्त मछुआरन कौन है, केसी रेखा, हेमा या रजनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है केसी रेखा। ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एयर इंडियाज मेडन इंटरनेशनल फ्लाइट। एयर इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का नाम क्या था, ओशन एयरवेज, मालाबार प्रिंसेस या गौरी शंकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलाबार प्रिंसेस। एयर इंडिया देश के राष्ट्रीय हवाई वाहक ने काहिरा और जेनेवा के रास्ते मुंबई से लंदन के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी। विमान ने 8 जून 1948 को उड़ान भरी और 2 दिन के बाद 10 जून 1948 को लंदन में 35 यात्रियों के साथ उतरा, जिनमें ये देखिए JRD टाटा और जामनगर के नवाब आमिर अली खान शामिल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिए। विमान के जो कैप्टन थे वो थे KR गुजरार द्वारा संचालित किया गया था, और इस विमान को मलाबार प्रिंसेस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच कंट्री डिड द गेम ओरिजिनेटेड। ये खेल की जो शुरुआत है वो किस कंट्री से हुई है, तो चाइना, इंडिया या जर्मनी। तो ये है जर्मनी में ये जो इन्वेंट हुआ था, और इस गेम का नाम है चाइनीज चेकर। खेल का आविष्कार जर्मनी में 1982 में स्टर्न हल्मा के नाम से किया गया था। इसके अलग अलग नाम हैं, जो चाइनीज चेकर हम जो खेलते हैं उसके अलग अलग नाम हैं, स्टर्न हल्मा, स्टार हल्मा, चाइनीज चेकर्स, हॉपचिंग चेकर्स और तियाओ की जंप चेस। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। बने रहिए मेरे साथ और भी GK रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।